सीरियाई राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, देश छोड़कर भागे, सेना बोली उनकी सत्ता खत्म, लोगों ने राष्ट्रपति भवन लूटा। पीएम मोदी करेंगे राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन, सरकार का 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव का दावा, उद्योगपति गौतम अडानी पहुंचे जयपुर। किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च डाला, हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश का वीडियो जारी किया, दिन में वाटर कैनन से खदेड़ा था। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई सर्दी, 10 दिसंबर से 3 डिग्री और नीचे जाएगा पारा, अभी हल्की बारिश के आसार। बांग्लादेश ने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता, भारत को 59 रन से फाइनल में हराया, इमाम हकीम ने 3-3 विकेट लिए।